नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वीवो के V17 फ़ोन के बारे में। जी हां दोस्तों, वीवो का V17 फ़ोन दोस्तों, उसमें एक नया अपडेट आ चुका है दोस्तों। ये जो अपडेट है, ये 3.5 GB से ऊपर का अपडेट है दोस्तों। ये काफ़ी बड़ा अपडेट है और वीवो के फ़ोन में दोस्तों आपको पता ही है कि जो अपडेट आते हैं दोस्तों काफ़ी लेट आते हैं। बट अभी जी दोस्तों, ये वीवो का V17 जो फ़ोन है, इसमें आपको 3.5 GB के समथिंग का एक अपडेट दे दिया गया है दोस्तों। इस अपडेट में आपको क्या नया मिलता है और दोस्तों क्या क्या चेंजेस होकर मिलते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे दोस्तों आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके कि आपको अपने फ़ोन को इस अपडेट में अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि अगर कोई भी अपडेट हमारे फ़ोन में अपडेट हो जाता है, कोई भी दोस्तों जो अपडेट आता है, अगर हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन में, तो दोस्तों फिर उसको हम हटा नहीं सकते दोस्तों। इसलिए आपको इस वीडियो पूरा देखना, इससे दोस्तों आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये जो अपडेट है आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो दोस्तों अपडेट की बात करें साइज़ की, तो दोस्तों ये अपडेट है 3.5 GB के समथिंग का अपडेट है। और दोस्तों इस फोन और दोस्तों ये जो अपडेट है, इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट दे दिया गया है। और साथ ही दोस्तों ये जो फ़ोन है आपका वीवो का V17 ये चल रहा था दोस्तों फंटस OS 6.70 पर। और दोस्तों ये जो नया अपडेट आया है, इसमें दोस्तों आपका फंटस ओएस जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। एंड्रॉयड 11 के साथ साथ दोस्तों इसका जो फंटस ओएस है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 8.75। तो दोस्तों ये भी चेंज कर दिया गया है, यानी दोस्तों आपके जो फीचर होते हैं वीवो के दोस्तों इंटरफेस होता है, उसमें दोस्तों आपको काफ़ी चेंजेस होकर मिलेंगे। और दोस्तों वीवो के फ़ोन में आपने देखा होगा कि हमें ऐप डॉट नहीं मिलता, हमारी जितनी भी एप्लीकेशन होती है दोस्तों वो हमारी डिस्प्ले भी होती हैं ऊपर ही। पर दोस्तों जब आप इस अपडेट कर लेते हो तो आपके फ़ोन में रेडमी के फ़ोन में जो ऐप डॉट आता है, सेम उसी की तरह आपको इसमें एक ऐप डॉट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि काफ़ी लोगों को ऐप डॉट पसंद होता है और वो प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तब उसका यूज कर पाते हैं। बट दोस्तों ये जो अपडेट है, इस अपडेट करने के बाद आपको जो भी फीचर इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आपके जो आईकॉन है एप्लीकेशन के, वो दोस्तों काफ़ी छोटे छोटे कर दिए गए हैं। और देखने में दोस्तों जो इंटरफेस है दोस्तों काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं, कि देखने में आपका जो डिस्प्ले है, आपका फॉन्ट स्टाइल है, वो काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। आप 3.5 GB का जो अपडेट, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपको काफ़ी कुछ चेंज होकर मिलने वाला है इस अपडेट में। पर दोस्तों इस अपडेट में कुछ दिक्कतें भी हैं, क्योंकि दोस्तों इस अपडेट को मैंने अपने फ़ोन में किया था और उसके बाद कुछ यूज़ किया, तब मैं आपको वीडियो बना कर दे रहा हूं। दोस्तों जब आप इस अपडेट को अपने फ़ोन में करते हो तो आपके मोबाइल की दोस्तों जो बैटरी है वो पहले से थोड़ा कम चलेगी, क्योंकि दोस्तों नए नए अपडेट जो आते हैं वो हमारी बैटरी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा बैटरी की खपत करते हैं। तो आपके फ़ोन की बैटरी दोस्तों पहले से थोड़ा कम चलने वाली है, यानी दोस्तों अगर आपकी बैटरी 10 घंटे चलती है तो अब इस अपडेट करने के बाद आपकी बैटरी चलेगी 9 घंटे। एक घंटे का दोस्तों एक घंटे से समथिंग का आपके फ़ोन में डाउनलोड आ सकता है बैटरी को लेकर। और वहीं दोस्तों डिस्प्ले की बात की जाए तो आपके फ़ोन की जो डिस्प्ले दोस्तों पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब जब फंटस ओएस का कोई अपडेट आता है तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो असर पड़ता है वो पड़ता है डिस्प्ले के ब्राइटनेस और दोस्तों एप्लीकेशन के आइकॉन पर, जो दोस्तों पहले से काफ़ी अच्छे लगते हैं। दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को अपने इस एंड्रॉयड में 11 में करना चाहते हो तो आप इस अपडेट को अपडेट कर लें, इंस्टॉल कर लें। आपके पास अगर V17 है वीवो का, तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि थोड़े बहुत बक्स आ सकते हैं, जैसे बैटरी को लेके और दोस्तों थोड़ा बहुत हीटिंग को लेके, जो दोस्तों कुछ ही दिनों बाद अगले अपडेट फिक्स कर दिए भी जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।